गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम थियोरी ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, उसमें हमने शॉर्ट रन के बारे में पढ़ लिया। अब हमने रिलेशनशिप पढ़ना है लॉन्ग रन का, राइट। तो लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है? लॉन्ग रन का मीन्स होता है कि टाइम पीरियड जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि हमने एक प्रोडक्टिव फैक्टर्स वेरिएबल्स जो है प्रोड्यूस करने हैं, ठीक। लॉन्ग रन में जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल होते थे, कुछ फिक्स्ड होते थे, बट लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती है कि वो चेंज कर सकते हैं अपने प्लांट का साइज़ और लेवल ऑफ आउटपुट उनको चेंज कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होती है उसको हम प्लानिंग कर्व भी बोल देते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ड्राइव करती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, ठीक है। कि जो हम लॉन्ग रन एवरेज कर्व हमारी ड्राइव होगी वो हमारी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होती हैं वहाँ से ड्राइव होगी, राइट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम दो नाम से और जानते हैं, ठीक है जी। एक है एनवेलप कॉस्ट एंड दूसरी है प्लानिंग कॉस्ट। जो एनवेलप कॉस्ट होती है उसको एनवेलप कॉस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती हैं उनको इनक्लोज करती है। तो जो कर्व है वो एक एनवेलप क्रिएट करती है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स का। तो प्लानिंग सेकंड इज प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व्स के इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से, इस कर्व की हेल्प से फर्म जो है वो प्लान कर सकती है कि कौन सा प्लांट्स उन्होंने यूज़ करना है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर सकता है ताकि हम मिनिमम कॉस्ट को अबटेंड कर सकें, राइट। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है? तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो यू शेप्ड की होती है जो रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमी ऑफ स्केल व्हेन इट इज़ नेगेटिवली, ठीक है जी। ठीक है जी, जो जब ये कर्व जो है वो नेगेटिव जाती है तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बताती है, और जब ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। कई इंडस्ट्रीज़ में जो एल है ना, लार्ज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है वो एल शेप्ड की होती है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो इनको इनडिफाइनली इंक्रीज़ कर सकते हैं। इनिशियली वहाँ पर क्या होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल होती है, बट एक पॉइंट के बाद वो फ्लैट हो जाती है और उसके बाद वो राइज है ना स्टार्ट होना शुरू कर देती है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने आउटपुट जो है आपकी 200 पर यूनिट है तो फर्म विल चूज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट, ठीक है। अगर आपकी आउटपुट ही दो है ना 200 है, आपने 200 यूनिट्स बनाने हैं तो आप क्या है स्मॉलेस्ट प्लांट यूज़ करोगे जो है SAC1 पर, ठीक है। ये जो SAC1 है स्मॉलेस्ट प्लांट है तो वहाँ पर आप अपनी चूज़ कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो इस ए पॉइंट पे ऊपर, राइट। तो अगर क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आउटपुट है वो कम है, ठीक है, जो हमारे ए साइज़ पर हो सकती है, तो वो ए पॉइंट जो है वो बाकी के जो हमने बनाए हैं प्लांट्स उनसे छोटा है। तो इन केस जो हमारी सेल्स हम वॉल्यूम जो है अपनी आउटपुट जो है उसको 400 यूनिट कर दे तो साइज़ ऑफ प्लांट जो है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, ताकि हमारी जो आउटपुट है उसको चीज कर सके। तो वो जो SAC कर्व 2 है वहाँ पर बी पॉइंट पर हम वो पल्ला प्लांट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने 600 और बढ़ा दी अपनी प्रोडक्शन तो हम नेक्स्ट प्लांट यूज़ करेंगे जो और बड़ा हो, राइट। तो इन सारे प्लांट्स को इफ़ द एंटिसिपेटेड आउटपुट अगर हमने 1000 कर दी तब भी हमारे पास जो है हमें बहुत सारा बड़ा प्लांट चाहिए, ठीक है। तो हम वो SAC5 जो हमारा पॉइंट है ई वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे उसको। तो इफ़ वी ड्रॉ अ टेगनेट ईच, अगर अब ना शॉर्ट रन के टेगनेट एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमें एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलेगी। तो ये यू शेप्ड है बट ये फ्लैटर है, दूसरी शॉर्ट रन कॉस्ट से ज़्यादा फ्लैटर है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ एनवेलप ऑफ SAC, इनका एनवेलप है। तो इन दिस फिगर हमारे पास एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ गई ऑफ द फर्म, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कर्व है, ये देखिए जो पॉइंट सी है वहाँ पर सबसे मिनिमम है, वहाँ पर हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें हम अगर आउटपुट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो लीस्ट कॉस्ट होगी, सबसे कम कॉस्ट होगी,
क्योंकि यहाँ पर हमें 30 कॉस्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट जो है वो 30 है, बाकी पर ए पॉइंट पर 40 है, बी पॉइंट पर 35 होगी, डी पॉइंट पर भी 35 है, ई पॉइंट पर भी 40, पर जो 30 है वो हमें सी पॉइंट पर हमारी कॉस्ट आ रही है, राइट। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन टोटल कर्व जो होती है वो शो करती है टोटल कॉस्ट जो फॉर्म को एक पूरे है ना प्रोडक्शन में अपनी टोटल आउटपुट को इंक्रीज करने पर जो टोटल कॉस्ट पड़ी है उसको हम लॉन्ग रन कॉस्ट बोल देते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट कर्व होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, बिकॉज लॉन्ग रन में जो फर्म जो होती है वो उसकी इनपुट से फ्री होती है, उन्होंने कोई लॉन्ग रन में कोई प्रोडक्ट लॉन्ग रन में उन्होंने अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही तो वो इनपुट्स भी नहीं लगाएंगे, राइट। तो ये देख लीजिए आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। जो शॉर्ट रन कॉस्ट है वो थोड़ा जीरो से ऊपर शुरू हो रही है, क्योंकि शॉर्ट रन में हमें अगर हम प्रोडक्शन करें ना करें बट हमें कुछ कॉस्ट होती है जो अक्कर होती रहती है, बट लॉन्ग रन में देखिए ये कॉस्ट जो है वो जीरो से शुरू हो रही है। पहले वो ना देखिए पहले वो इंक्रीज हो रही थी, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होगी और उसके बाद फिर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी। तो ये एल शेप्ड कर्व है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी थी कि वे एल शेप्ड भी होती है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये देखिए कि कुछ इंडस्ट्री में वो एल शेप्ड होती है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो इंक्रीज करती है, और लॉन्ग रन में क्या होता है कि पहले वो कॉस्ट जो है वो फॉल करती है, फिर एक पॉइंट के बाद वो फ्लैट हो जाती है, और फिर वो राइट हैंड, ठीक है जी, फिर वो ऊपर उसको स्टार्ट हो जाती है, राइट, ऊपर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे हमारा इस कॉन्सेप्ट के साथ आज हमारा थियोरी ऑफ कॉन्सेप्ट थियोरी ऑफ कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म हो गया है। अगर आपको थियोरी ऑफ कॉस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।